विदिशा से श्री भूपेंद्र सिंह कांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री। लगातार कई दिनों से प्रदेश के नेता लक्ष्मीकांत को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ हुजूर विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा रहे मौजूद। पूर्व लक्ष्मीकांत शर्मा को सिरौंज निज निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सहयोगी रहे पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सिरौंज। दिवंगत पूर्व मंत्री के परिजनों से की मुलाकात। कोरोना से हुआ था पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सिरौंज पहुंचे। सिरौंज पहुंचकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूर्व मंत्री के भाई विधायक उमाकांत शर्मा से मुलाकात की, जिसके भूपेंद्र सिंह ने शोकाकुल परिवार से मिलकर परिजनों का ढांढस बंधाया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा पहुंचे थे सिरौंज। इनके साथ ही आज गंज बासौदा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक निशंक जैन भी सिरौंज पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग, सभी की मदद करने की भावना रखने वाले आज हमारे जिले के निर्णय नेताओं में आदरणीय नेता, मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि। अनेकों बार उनके साथ चिंता करना, सबकी मदद करना, हमेशा हंसमुख रहना और सबके जीवन में हमेशा रहेगी। ईश्वर से ये कामना है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम सब बहुत दुखी है, वो आज हमारे बीच में है। वो प्रेरक थे हमारे बड़े भाई, क्योंकि मैं भी यहीं पला पोसा बड़ा हुआ और इसलिए जब भी संघ के कार्य की जब भी कोई चर्चा होती थी तो उमाकांत जी तो निरंतर हमारे साथ काम करते थे, पर लक्ष्मीकांत जी से जरूर आचार्य के नाम से हम लोग उनको आचार्य जी कह के करते थे। और चूंकि मुझे तो परम सौभाग्य प्राप्त है कि गुरु जी ने जनमोहन जी का भी आशीर्वाद है, जे शिक्षक के नाते गुरुजी के नाते उनका प्राप्त हुआ है। पर अगर सही अर्थों में पूछा जाए तो आज़ादी के बाद अगर सिरौंज में कभी कोई इतिहास लिखा जाएगा और सिरौंज का सच्चा कोई बेटा नाम आएगा तो वो आएगा लक्ष्मीकांत जी का। सिरौंज के विकास के लिए, सिरौंज के गरीब आम, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं है। नहीं तो निरंतर जिस कार्य के लिए वो जिए, वो सिरौंज के लिए जिए, हिंदुत्व के लिए जिए, धर्म संस्कृति के लिए जिए, सबका सम्मान करने की कोशिश की। कभी उनके व्यवहार से छोटा हो या बड़ा कोई दुखी होकर तो नहीं गया। हम लोग तो असहज हो जाते हैं, पर हमने कभी उनको असहज होते हुए नहीं देखा। सहज रहे, सबके प्रति सहज स्नेह रहा और सिरौंज ने अपना बेटा खो दिया समाज के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, और जो काम उनके अधूरे हैं उनके अधूरे काम पूरा करने के लिए मैं अपनी ओर से, हुजूर विधानसभा की जनता की ओर से उनको विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तूने हमसे अपना भाई लिया है, हो सके किसी रूप में इस सेवा। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा सिरौंज से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।